बिहार के औरंगाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां छठ पर्व के मौके पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब रसोई गैस का सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और इसकी चपेट में आने से करीब 50 लोग झुलस गए। इतना ही नहीं, आग लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम के 7 जवान भी घायल हो गए हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ इनका इलाज चल रहा है। फिलहाल घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल ये घटना औरंगाबाद के शाहगंज मोहल्ले की है। यहाँ शनिवार सुबह करीब 2:30 बजे अनिल गोस्वामी के घर महिलाएं छठ का प्रसाद बना रही थीं। तभी सिलेंडर से गैस रिसाव के कारण घर में आग लग गई। आग लगने की खबर मिलते ही आस पड़ोस के लोग भी आग बुझाने पहुंचे। सूचना पाकर पुलिस टीम भी वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया, मगर इसी दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया जिसकी चपेट में आने से 7 पुलिस वालों समेत कुल 50 लोग झुलस गए। फिलहाल घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक इन सबों का प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और सभी की स्थिति सामान्य है। वहीं जिला प्रशासन ने ऐसे मौकों पर लोगों से सावधान रहने की अपील की है और कहा है कि सावधानी से आगजनी के खतरों को टाला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।